दरभंगा समाचार में आपका स्वागत है। भारतीय राष्ट्रीय संघ संगठन द्वारा निकाला गया छात्र अधिकार रैली शिक्षा बचाओ देश बचाओ पद्र यात्रा निकाला गया, जिसको लेकर आज ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में रैली निकालकर छात्रों ने खूब आक्रोश जताया। बिहार के छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना बंद करो। बिहार के छात्रों के साथ भविष्य के साथ खिलवाड़ करना बंद करो। तेरी तानाशाही बचाओ देश बचाओ कार्यक्रम के तहत आज हम लोग दरभंगा विश्वविद्यालय में भी आए। इसमें प्रमुख मांग है कि आप सभी को पता है कि आज के डेट में बिहार के सभी विश्वविद्यालय के कुलपति के पास लाखों रुपया बरामद हो रहा है, करोड़ों रुपया बरामद हो रहा है। ये तय करता है कि यहाँ चपरासी की बहाली से लेकर के कुलपति की बहाली तक में भ्रष्टाचार हो रहा है। आखिर ये लाखों रुपया बरामद कहाँ से हो रहा है? कुलपति कई विश्वविद्यालय के बात कर रहे हैं कि राजभवन हमसे पैसा मांग रहा है, तो कहीं ना कहीं इसमें पूरी सिस्टम इन्वॉल्व है जिसमें नीतीश कुमार जी भी हैं। अगर इस प्रकार से बिहार के छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होगा, एटीएम लेकर के वीसी की नियुक्ति की जाएगी, रजिस्ट्रार की नियुक्ति की जाएगी, कुल सचिव, उसके बाद आपके यहाँ कंट्रोलर की नियुक्ति होगी, तो विश्वविद्यालय नहीं चल रहा है। एक तरीके से लूट का आड्डा बना दिया गया है विश्वविद्यालय। आपके यहाँ सभी को पता है कि यहाँ रिजल्ट में 8-8 महीना लेट हो जा रहा है, 4-4 महीना लेट है, एक हॉस्टल सही से काम नहीं कर रहा है, किसी कॉलेज में प्रयोगशाला नहीं है, फिर ये विश्वविद्यालय क्यों बना? इतना पेमेंट क्यों दिया जा रहा है प्रोफेसरों को? लगभग प्रोफेसर पटना रहते हैं, ये सभी लोग जानते हैं। जो भी सी आते हैं वो बाहरी से आते हैं, उनको पता नहीं रहता है यहाँ का मापदंड क्या है। इन्हीं सब मांगों को लेकर के एनएस भाई आज आपके विश्वविद्यालय में कुलपति का घेराव किया है, विश्वविद्यालय का घेराव किया है, और हम मांग कर रहे हैं कि नीतीश कुमार जी पे भी जांच कमेटी बैठाया जाए, राजभवन पे भी जांच कमेटी बैठाई जाए, तब इसमें बड़ी मछली को पकड़ा जा सकता है। सिर्फ करोड़ों लाखों दिखाने से नहीं होगा, उन पे कार्रवाई भी होनी चाहिए, तभी विश्वविद्यालय बचेगा। जब विश्वविद्यालय बचेगा तब बिहार का भविष्य बचेगा। अपना नाम बताइए। चुन्नू सिंह, प्रदेश अध्यक्ष, एनएसयूआई बिहार। एनएसयूआई की आज निकली है रैली, ये कहाँ से निकली है, कब निकली थी, क्या है? ये प्रोग्राम जो है एनएसयूआई बिहार की तरफ से शिक्षा बचाओ देश बचाओ का छात्र पंचायत, जो इस तरह की गाड़ी निकली आप देख सकते हैं, गाड़ी हमारे साथ चल रही है, जो प्रदेश अध्यक्ष चुन्नू सिंह जी लेके चल रही है। जो हालात देश बिहार में बन चुकी है शिक्षा को लेकर, ये कहीं चुकी नहीं, कई मामले ऐसे खुल कर, इससे पहले भी ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी कई अपने कारनामे को लेकर सुर्खियों में रहा, इससे पहले भी कई मामले ऐसे आए हैं जिसमें कई छात्रों का परीक्षा फल लंबित रहा है, कई छात्रों को जो है उसकी सुविधाएं नहीं मिल पा रही है। जिस तरह से यूनिवर्सिटी में जिस तरह से व्यापक रूप से भ्रष्टाचार चल रहा है, उसके खिलाफ में एनएसयूआई आज यहाँ पर अपना आंदोलन कर रही है और अपनी पदयात्रा निकाली है, क्योंकि हम लोग का हमेशा मांग रहा है कि छात्र अगर यहाँ जब आपको पैसा सही टाइम पर भरते हैं, सब कुछ देते हैं, और आप जबकि उसकी नामांकन शुल्क तक आपने बढ़ा दिया, सब कुछ आप बढ़ रहा है, लेकिन सुविधा के नाम पर आप जीरो दे रहे हैं छात्रों को, तो ये सब मामले को लेकर कई ऐसे मामले हैं जो कि हमेशा संज्ञान में आया कि छात्रों का लेकर अभी जैसे कुलपति के हर से पैसे की निकासी होती है, पैसे बरामद होते हैं, ये कहीं ना कहीं ये अंदाजा जा रहा है कि आज जो शिक्षा का स्तर है वो पूरी तरह से गिर चुका है। तो मेरा आप लोगों के माध्यम से यही मांग है कि बिहार के जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर उन पर भी जांच करवाई जाए कि ये आखिर शिक्षा का स्तर दिन ब दिन इतना गिरता क्यों जा रहा है। क्या नाम है? डॉक्टर जमाल हसन, जिला अध्यक्ष, दरभंगा जिला कांग्रेस सेवादल। प्रदेश अध्यक्ष चुन्नू सिंह जी के नेतृत्व में और एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं के नेतृत्व में शिक्षा बचाओ देश बचाओ नारे के साथ एक यात्रा निकली है, जो पूरे बिहार के सभी जिलों में जाकर जो गिरती शिक्षा व्यवस्था है, जो शिक्षा के नाम पर निजीकरण किया जा रहा है,
जो शिक्षा के नाम पर एक बिजनेस उद्योग के रूप में शिक्षा को बनाया जा रहा है, उसके खिलाफ एक आंदोलन शुरू किया गया है। उसी के तहत आज फिर आज ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष, एनएसयूआई ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय कमेटी, दरभंगा जिला कमेटी के सभी एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने दरभंगा यूनिवर्सिटी में जो व्याप्त भ्रष्टाचार है, जो यूनिवर्सिटी की आपसी लड़ाई में डाटा सेंटर बंद है जिसकी वजह से रिजल्ट नहीं आ रहा है, एक तरफ एजुकेशन में आपको एमएड की पढ़ाई नहीं है लेकिन पीएचडी की पढ़ाई है, ये स्थिति है। इस सभी मुद्दों को लेकर दरभंगा एनएसयूआई विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ आंदोलन कर रही है, और अगर अभी भी विश्वविद्यालय प्रशासन नहीं जागती है तो इससे भी बड़ा आंदोलन दरभंगा जिला एनएसयूआई मिथिला विश्वविद्यालय एनएसयूआई कमेटी और विधान परिषद दिलीप चौधरी इसी विश्वविद्यालय की आंदोलन जो आप लोग करवा रहे हैं या कर रहे हैं ये कब तक चलता रहेगा, कब से कब? देखिए, इस आंदोलन की शुरुआत कल 15 दिसंबर से हुई है, जो 15 जनवरी तक पूरे बिहार में जितने भी कॉलेजेस, जितने भी यूनिवर्सिटी है, उन तमाम कॉलेजेस यूनिवर्सिटी में जो भ्रष्टाचार चरम पे चल रहा है और शिक्षा व्यवस्था जो बदहाल हो चुकी है उसको सही करने के लिए हम लोग आंदोलनरत है। हमारे एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष चुन्नू सिंह जी के नेतृत्व में इस पद यात्रा को आयोजित किया गया है। पूरे बिहार में जाएंगे हम लोग और वहाँ पर लोगों से बात करेंगे, छात्रों से बात करेंगे, उनकी समस्या को सुनेंगे। साथ ही साथ उसी क्रम में आज ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी में ये पद यात्रा है। देखिए, नीति आयोग का जो डेटा आया है वो किसी से ढका छुपा हुआ नहीं है। नीति आयोग एक सरकारी संस्था है और सरकारी संस्था ये कहती है कि बिहार प्रदेश की जो शिक्षा व्यवस्था है, जो शिक्षा प्रणाली है, वो पूरे देश के अंदर सबसे बदतर है। इसी शिक्षा व्यवस्था को बदतर से बेहतरीन करने की इस लड़ाई में, इस मुहिम में एनएसयूआई का एक एक कार्यकर्ता, बिहार का एक एक छात्र हमारे साथ जुड़ा हुआ है। भ्रष्टाचार जो विश्वविद्यालय में चरम पर है उस भ्रष्टाचार को खत्म करने की लड़ाई है। ये आप सब लोगों को मालूम है कि जो खबरें अभी आ रही हैं वो ये आ रही हैं कि राज्यपाल महोदय के यहाँ से पैसा मांगा जाता है, तो मैं यही जानना चाहता हूँ कि क्या ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति का एक दरवाजा राज्यपाल के दरवाजे में खुला हुआ है और खिड़की मुख्यमंत्री आवास से मुख्यमंत्री कार्यालय में खुली हुई है? इस बात को साफ करना होगा। अब ये समय आ गया है कि यहाँ पर जितनी बहालियों में गड़बड़ी हो रही है, देखिए, एक छात्र का अगर गलत एडमिशन होता है तो उससे एक छात्र का भविष्य, जिसका सही एडमिशन होना चाहिए उस पर खतरा होता है, लेकिन अगर एक टीचर की गलत बहाली हो गई, एक प्रोफेसर की गलत बहाली हो गई तो पूरा यूनिवर्सिटी उसको 30 साल तक के लिए झेलता है, एक वाइस चांसलर की गलत बहाली हो जाएगी तो 5 साल तक के लिए झेला जाएगा। तो इसीलिए इस लड़ाई में हम तमाम एनएसयूआई के लड़कों के साथ हैं, पूरे मिथिलांचल के छात्रों के साथ हैं, और जब छात्रों का आंदोलन होता है, छात्रों की लड़ाई होती है, तो सामूहिक लड़ाई होती है, सब लोग मिलजुल कर लड़ते हैं। अभी अभी जैसे आया जेडीयू के एमएलसी है, वो पैसा लेकर बहाली करने की बात कर रहे हैं, खुलेआम चल रहा है। ये शिक्षा का व्यवसायीकरण, व्यापारीकरण, शिक्षा में भ्रष्टाचार, ये नहीं हो सकता। इसके लिए हम लोग संघर्ष करें और आखिरी दम तक संघर्ष करें। क्या इसी यूनिवर्सिटी का मामला है ऐसा या और भी कई? अभी हम लोग ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी में खड़े हुए हैं तो अभी ज्यादातर बात एनएमयू की कर रहे हैं। ये व्यवस्था जो बिगड़ी हुई व्यवस्था है वो पूरे बिहार के अंदर है, और ये मैं नहीं कह रहा हूँ भाई, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार के अंतर्गत जो नीति आयोग है वो इस बात का प्रमाण दे रहा है कि बिहार में शिक्षा व्यवस्था बदहाल है, ना यहाँ पढ़ने पढ़ाने का कोई सिस्टम है, ना यहाँ पर किसी तरह से अच्छा लैब है या अच्छा क्लासरूम हो या अच्छे टीचर्स हो। ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है, और मिथिला का गौरव, बिहार का गौरव ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी की जो हाल है वो ढकी छुपी हुई नहीं है। पाठ का रिजल्ट नहीं आया, अरे भाई, जो बच्चे मास्टर्स करने किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी जाएंगे या विदेश जाएंगे उनको रिजल्ट क्यों नहीं दे रहे? तो मालूम चला कि डेटा सेंटर बंद है। अरे भाई, डेटा सेंटर बंद क्यों है? ये जो लड़ाई जो डेटा सेंटर की वो हाईकोर्ट पहुंची, उससे सफर कौन कर रहा है? छात्र सफर कर रहे हैं। छात्रों को कहीं से सफर नहीं करना चाहिए। वाइस चांसलर 24 घंटे यहां पर अवेलेबल होने का दावा देते हैं, तो वाइस चांसलर 24 घंटे के अंदर बच्चों के हाथ में रिजल्ट दें, उनके हाथ में उनकी मार्कशीट दें, डिग्री दें, ताकि मिथिलांचल का एक एक छात्र देश के अच्छे अच्छे विश्वविद्यालयों में जाकर पढ़े, मिथिलांचल का एक एक छात्र वो दुनिया भर में अच्छे अच्छे यूनिवर्सिटीज में जाकर पढ़े और ये बताए कि वाकई मिथिलांचल के छात्रों के अंदर वो आज भी कुवत है, वो आज भी ताकत है कि वो पूरे देश को और पूरी दुनिया को राह दिखा सकते हैं। जी, क्या मांग है आप लोगों की, किन मांगों को लेकर? मांग यही है हमारा कि ये हमारे मिथिलांचल का ये गौरव है, हमारा ये जो यूनिवर्सिटी है ये गौरव माना जा रहा है,
है, ये हम लोग मानते रहे हैं। ये इसमें क्या फैकल्टी है, जितनी फैकल्टी उतनी स्टूडेंट को मिल नहीं पा रही है। जो स्कॉलरशिप है स्कॉलरशिप का फॉर्म भरवा लेते हैं, स्कॉलरशिप नहीं मिलता है। स्टूडेंट हॉस्टल है, हॉस्टल की सुविधा है, बच्चों को नहीं मिल पाती एजुकेशन के लिए जानते हैं तो क्लास में सर अपसेंट है। ऐसे ऐसे सर यहाँ की प्रोफेसर तो ऐसे प्राइवेट इंस्टीट्यूट खोल करके वहाँ बच्चों को बुलाते हैं और फीस लेकर के वहाँ उसको एजुकेशन देते हैं। किस लिए यहाँ यूनिवर्सिटी अच्छा, ये हाँ हम लोग दे सकते हैं, जो आम जो जनता होगी जो गरीब होगी वो ये सब जो ये प्रदर्शन कर रहे हैं क्या मामला है क्या है? हम लोग का एक ही मांग है कि जो कुछ दिन पहले जो है नीति आयोग के द्वारा जो रिपोर्ट जारी किया गया था जिसमें संलिंग जो है यहाँ मिलता है जो है भ्रष्ट, जिन पर मतलब कि कहा जाए कि करोड़ों रुपया गबन का जो है आरोप है। यहाँ का जो स्थानीय अभी जो कुलपति है एसपी प्रसाद सिंह जो है उन पर जो है आरोप है। इन तमाम यहाँ के जो स्थानीय कुलानुशासक है जो पूर्व में मारवाड़ी कॉलेज के उन पर भी लाखों रुपया गबन का आरोप है। इन सभी मुद्दों को लेकर आज एनएसयूआई अपने आंदोलन कर रही है और विश्वविद्यालय प्रशासन को इस आंदोलन के माध्यम से एक सूचना देना चाहती है कि विश्वविद्यालय जो है इसमें जो भी संलग्न है साथ साथ नीतीश कुमार सूचना देना चाहते हैं पदाधिकारी इस पर उच्च स्तरीय जांच करा कर इस पर निष्पक्ष भाव से जो है जांच कराया जाए, जो भी संलग्न है उसको होगी है कड़ी से कड़ी कार्रवाई किया जाए। और यहाँ के जो कुलपति और कुलसचिव है कुलसचिव डॉक्टर मुस्ताक और कुलपति हरप्रीत सिंह इस पर जो है उच्च स्तरीय जाँच कराकर उनको इस्तीफा दिलवाने का काम। साथ ही आपको बता दें कि जिगत तकरीबन 4 महीने हो गए आपको स्नातक और तृतीय खंड का जो है हुए हुआ, लेकिन अभी तक जो है इसका तमाम मुद्दों को लेकर जो है इस बार आगे हम विश्वविद्यालय प्रशासन को सूचना देना चाहते हैं कि अविलंब जो है प्रथम खंड और तृतीय खंड सेमेस्टर और तृतीय सेमेस्टर का अविलंब रिजल्ट जारी करें, अन्यथा आने वाला दिन एनएसयूआई पूरे बिहार में आंदोलन करें और इसका जिम्मेवार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और यहाँ के जो स्थानीय कुलपति एसपी सिंह।